देखिए यहाँ पर आज एक टॉपिक है और ये टॉपिक है इट्स टाइम टू। देखिए टॉपिक का नाम क्या है, ये टॉपिक है आपका इट्स टाइम टू। क्लियर है, ये चीज़ आपका है इट्स टाइम टू। समझ में आया? एक्चुअली इसका मतलब होता है इट इज टाइम टू। तो चाहे आप इट्स टाइम टू बोलो और चाहे क्या बोलो, इट इज टाइम टू बोलो। क्लियर है? इसके बाद लिखना क्या है, तो इसके बाद जो भी आप एक्शन कर रहे हो ना उसका फर्स्ट फॉर्म लिख देना। जैसे अगर आप खाना का काम आप कह रहे हो ये खाने का समय है तो टू ईट कर देना। आप कह रहे हो ये पढ़ने का समय है तो टू रीड या टू स्टडी कर देना। समझ में आया? जैसे मैं कहूं कि यह जाने का समय है ना, मैं कहूं कि यह जाने का समय है। क्लियर है? यह जाने का समय है, यह जाने का समय है, क्योंकि 7 बज गया, अंधेरा हो रहा है और जाने का समय है। तो अब देखो इसका यूज देखो, तो यह जाने का समय क्या हो जाएगा, इट्स या इट इज, है ना, इट्स टाइम मतलब समय है क्या करने का, जाने का। तो यहां क्या कर दो, टू गो, इट्स टाइम टू गो। मान लो यह नहीं होता तो जाने का समय है तो तब भी आप बोलोगे इट्स टाइम टू गो, जाने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू गो। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है? जैसे हम कह दें ये जो समय चल रहा है ना, ये जो समय चल रहा है यह कुछ करने का समय है, या कैसे समय है, कुछ करने का कुछ समय। करने का समय है। तो इसको कैसे बोलोगे, जैसे आपने बोला यह कुछ, है ना, यह कुछ करने का समय है, यह कुछ करने का समय है। तो इसका मतलब क्या आपको, इट्स या इट इज, है ना, इट्स टाइम। अब टू और देखो कुछ करने का समय, तो टू डू समथिंग, टू डू मतलब करने का और कुछ करने का, तो टू डू यहां पर क्या कर दो, समथिंग। इट्स टाइम टू डू समथिंग, यह कुछ करने का समय है। समझ में आया? अब एक दो सेंटेंस ऐसे सुनो, मैं कह दूं यह पढ़ने का समय है तो आप क्या बोलोगे, इट्स टाइम टू स्टडी, यह सीखने का समय है, इट्स टाइम टू लर्न। बस अगर यहाँ जाने का समय रहे तब टू गो करो, आने का समय रहे तब क्या करना, टू कम करना, है ना। मैं कह दूं यह रोने का समय है, मान लो बारात आई विदाई हो रही तो यह रोने का समय है, तो इट्स टाइम टू, वहां क्या होता है, क्राई होता है ना या बीप होता है, क्राई मतलब चिल्ला चिल्ला कर रोने वाला कार्यक्रम रहता है ना, तो यहाँ क्या होगा, क्राई। दोनों में अंतर देखो, क्राई और बीप, तो क्राई मतलब होता है जब आवाज तेज आवाज में बोला रोया जाए, और बीप मतलब ठीक आराम से। क्लियर है? समझ में आया? तो ये चीज हो गया। मैं कह दूं यह बात करने का समय है, इट्स टाइम टू टॉक। अब देखो देखते हैं कितनी औकात है तुम्हारी, कितना ऐसे सोच सकते हो, ऐसे सोचो जो भी दिमाग में आ रहा है ना। यह खाने का समय है, इट्स टाइम टू ईट, है ना, इट इज को अवॉइड करो, बल्कि इट इज का शॉर्ट फॉर्म बोलो इट्स, है ना, इट्स टाइम टू ईट। यह खाना पकाने का समय है, इट्स टाइम टू कुक द फूड। यह मूवी देखने का समय है, इट्स टाइम टू वॉच द टेलीविजन, है ना। यह घूमने का समय है, इट्स टाइम टू वॉक, है ना, या टू वेंडर बोल दो। क्लियर है? मैं कह दूं कि ऐसे कुछ भी, यह दिल्ली जाने का समय है, इट्स टाइम टू गो टू दिल्ली,
क्लियर है, समझ में आया? यह नहाने का समय है, इट्स टाइम टू बाथ या टू हैव बाथ, क्लियर है, समझ में आया? ऐसे और देखो और क्या बन सकता है, सोचो और किसका किसका समय हो सकता है, कोई ऐसा एक्शन के बारे में आप सोचो, कुछ भी ऐसे आप सोचो। या सोने का, अच्छा सोने का समय, सोने का प्लान पहले हो रहा है, यह सोने का समय है तो क्या हो जाएगा, इट्स टाइम टू स्लीप, क्लियर है, समझ में आया? तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना, बस ये छोटा सा देखो, ये छोटा मत देखो, एक कहावत है ना, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, तो इसको ऐसे मत देखो, छोटा मत देखो, इसको ये देखो कि भाई ये कितना कमाल का चीज है, कुछ भी यार होने का समय, इट्स टाइम टू बी, ऐसे किसी का भी समय, इट्स टाइम टू, जिसका भी समय वो लिख दो, बस आज के लिए इतना, सही है ना, ठीक, इसे लिखिए।